इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंजाब को आज मिलेगा नया मुख्यमंत्री। सुबह 11 बजे होने वाली कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी यानी कि सीएलपी मीटिंग में होगा नए सीएम के नाम का ऐलान। सीएलपी की बैठक में पार्टी पर्यवेक्षक अजय माकन और हरीश चौधरी के साथ पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री की रेस में सुनील जाखड़ सबसे आगे, नवजोत सिंह सिद्धू, सुखजिंदर रंधावा, अंबिका सोनी, प्रताप सिंह बाजवा समेत कुल 9 कांग्रेसी नेता दावेदार। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू जता रहे हैं मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी, सीएम बनने की जिद पर अड़े। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा। हिंदू नेता अगर सीएम बनेगा तो फिर डिप्टी सीएम सिख होगा। नए सीएम पर दिल्ली में राहुल गांधी के घर पर देर रात तक चली अहम मीटिंग। इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और अंबिका सोनी भी मौजूद थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल शाम 4:40 पर राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। इसके बाद 5:30 सीएलपी की बैठक हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार और एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा सौंपने के बाद सिद्धू पर आक्रामक हुए कैप्टन का, सिद्धू देश की सुरक्षा के लिए खतरा। सिद्धू पर हमला करते हुए कैप्टन अमरिंदर ने कहा अगर पार्टी सिद्धू को सीएम बनाती है तो उसका वो विरोध करेंगे। कैप्टन ने सिद्धू पर तंज कसते हुए कहा जो एक विभाग नहीं संभाल सका वो राज्य क्या संभालेगा। कांग्रेस हाईकमान पर भी बरसे कैप्टन का। बार बार विधायकों की बैठक बुलाकर साफ हुआ है कि हाईकमान को मुझ पर भरोसा नहीं है, मेरा अपमान किया गया। पीएम मोदी की सरकार के अलग अलग विभागों के सचिवों के साथ मुलाकात। ऑफिसर्स से कहा गया कि विजन क्लियर है तो काम क्यों नहीं हो रहा। विकास के कामों को बेहतर ढंग से लागू करने के तौर तरीकों पर भी विभागों के सचिवों ने सुझाव दिया। भारत दौरे पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैजल बिन फरान अल सौद। अफगानिस्तान को लेकर आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत होगी। सऊदी अरब के विदेश मंत्री पीएम मोदी से भी मिलेंगे। दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कर बोले गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस ने 70 साल तक सिर्फ वादे किए। अमित शाह ने कहा पीएम जो कहते हैं वो करते हैं। उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ घरों में पहुंचाए गए हैं रसोई गैस के कनेक्शन। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज गुरुग्राम जाकर पैरालंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। वेंकैया नायडू का बयान कामकाज में बाधा सदन की अवमानना है। एक साल में राज्यसभा से 9 सदस्यों को निलंबित किया गया है। वेंकैया नायडू ने दिवंगत राम जेठमलानी को कानूनी जांच में न्यायपन लाने वाला वकील बताया। का जेठमलानी का 77 साल का करियर बेहद सफल रहा। कानूनी ढांचे पर चीफ जस्टिस रमन्ना की चिंता का, देश में अब भी गुलामी के दिनों का लीगल सिस्टम है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जारी करेंगे अपनी सरकार की रिपोर्ट कार्ड। 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे। अयोध्या में चल रही बीजेपी की ओबीसी मीटिंग का आज दूसरा दिन। योगी आदित्यनाथ आज मीटिंग को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी का आज से गांव-गांव दलित संवाद कार्यक्रम। ग्रामीण इलाकों में दलित समाज में पैठ बनाने की कोशिश। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज अरविंद केजरीवाल दिन में 2 बजे तिरंगा संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। संदिग्ध आतंकियों के पकड़े जाने के बाद आज गणपति विसर्जन पर मुंबई पुलिस हाई अलर्ट। सुरक्षा में लगाए गए हैं 35,000 पुलिस वाले। मुंबई के गणपति विसर्जन स्थल जुहू, वर्सोवा, गिरगांव चौपाटी अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है। पुलिस के अलावा एसआरपीएफ और सीआरपीएफ की 3-3 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। गणेश विसर्जन पर बीएमसी ने जारी किए एसओपी। मंडल के 10 लोग विसर्जन में शामिल हो पाएंगे और घर के गणपति विसर्जन में सिर्फ 5 लोगों को इजाजत होगी। विसर्जन स्थल पर ना भीड़ हो इसलिए बड़े गणपति मंडल को दिया गया अलग अलग टाइम। लाइफगार्ड, पुलिस और बीएमसी कर्मचारियों के अलावा बीच पर किसी को जाने की इजाजत नहीं। मुंबई में 50 लाख की फिरौती मांगने के आरोप में एक महिला गिरफ्तार। नक्सली बनकर डॉक्टर को फिरौती की चिट्ठी भेजी थी। फिरौती के लिए चिट्ठी मिलने पर क्राइम ब्रांच को सूचना दी गई। महिला की समेत साथी भी गिरफ्तार। जोधपुर में हवाला कारोबारी के घर दिन दहाड़े वारदात। पिस्तौल दिखाकर 2 लाख रुपए लूटे गए। यूपी के मुरादाबाद में तोड़ी गई अवैध शराब की भट्टी। यूपी पुलिस और यूपी एक्साइज डिपार्टमेंट का ज्वाइंट ऑपरेशन। यूएई में आज से दिखेगा आईपीएल पार्ट 2 का रोमांच। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच पहला मुकाबला। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा आईपीएल के 14वें सीजन के दूसरे सत्र का पहला मुकाबला। शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल के अपने पहले मुकाबले में मुंबई हार चुकी है। सीएसके पॉइंट्स टेबल में 2 नंबर पर, सीएसके मुंबई इंडियंस 4 स्थान पर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन